यदि दो टर्म एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाइड हो और यदि दो टर्म एक दूसरे के साथ डिवीजन में हो तो फिर उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, इस लेक्चर वीडियो में हम लोग देखेंगे। ओके, तो देखते हैं, जैसे y इक्वल टू यू इंटू वी के फॉर्म में है, यहाँ पे u इंटू वी के फॉर्म में दो टर्म है, u एक टर्म है और v एक टर्म है और ये दोनों मल्टीप्लाइड है, और फिर इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है ये देखते हैं। देखिएगा, dy by dx जब करेंगे, ये दोनों टर्म प्रोडक्ट में है, और जब dy by dx करेंगे तो एक को कांस्टेंट रख के दूसरे को डिफरेंशिएशन करना है, एंड देन पहले वाले डिफरेंशिएशन रख के दूसरे वाले को डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो u को कांस्टेंट रख के v को डिफरेंशिएट कर देंगे, और फिर v को कांस्टेंट रख के किसका डिफरेंशिएशन करना है, हमें u का डिफरेंशिएशन करना है। इस तरीके से डिफरेंशिएशन किया जाता है प्रोडक्ट रूल में। इसको मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। जैसे y इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, यहाँ पे दो ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म साइन एक्स और कॉस एक्स मल्टीप्लीकेशन में है और इसको डिफरेंशिएशन करना है। देखिएगा, जब हम डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो इस रूल के साथ, इस रूल के अनुसार एक को कांस्टेंट रख के दूसरे को डिफरेंशिएशन, तो किसी को भी कांस्टेंट रख के किसी का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, किसी का भी। मतलब मान लीजिए कॉस एक्स को डिफरेंशिएशन कांस्टेंट रख के हमने डिफरेंशिएशन कर दिया साइन एक्स का, एंड देन आफ्टर साइन एक्स को कांस्टेंट रख के हमने डिफरेंशिएशन किया किसका, कॉस एक्स का। तो यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कौन सा फार्मूला होता है, कॉस टू एक्स का फार्मूला होता है। तो यहाँ से साफ पता चला, यदि y इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन फाइनल रिजल्ट जो है वो कॉस टू एक्स आएगा। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ और भी एग्जांपल। एक एग्जांपल करते हैं, जैसे y इक्वल टू है एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स है, ये डिफरेंशिएशन करना है। आप लोग करके बताओ कितना आता है, तब तक मैं बोर्ड इरेज करता हूँ। देखिएगा, dy वाई बाई डी एक्स जब यहाँ पे करना है तो एक को कांस्टेंट रख के हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे e टू दी पावर x का, फिर प्लस लिखेंगे e टू दी पावर x को कांस्टेंट रख के हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे x स्क्वायर का। ओके, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होगा, तो ये x स्क्वायर इंटू e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 2x को कॉम e टू दी पावर x कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा फाइनल डिफरेंशिएशन। तो ये था प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के बाद हम लोग देख लेते हैं डिवीजन रूल में किस तरीके से डिफरेंशिएशन किया जाता है। ठीक है, डिवीजन रूल के बारे में हम लोग देखते हैं, सीखते हैं क्या है डिवीजन रूल। समझिएगा, यदि मान लीजिए दो टर्म डिवीजन में है, ठीक है, जैसे y इक्वल टू यू वाई वी है, UIV है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है, जो ऊपर है, ऊपर वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है। तो dy by dx जब करेंगे इस केस में, तो v को कांस्टेंट रख के हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे u का, जो सबसे ऊपर है, ठीक है, जो नॉमिनेटर में है, u का डिफरेंशिएशन पहले होगा, देन आफ्टर डिनोमिनेटर वाले का डिफरेंशिएशन होगा। तो डिनोमिनेटर वाले का डिफरेंशिएशन u को कांस्टेंट रख के फिर हम लोग डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, v का डिफरेंशिएशन कर देंगे, एंड देन आफ्टर v जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो v को कांस्टेंट रख के हम लोगों ने u का डिफरेंशिएशन किया, फिर माइनस लिखा, फिर u को कांस्टेंट रख के हम लोगों ने v का डिफरेंशिएशन किया। इस पे एग्जांपल कर लेते हैं, एक ऐसा एग्जाम्पल जिसका डिफरेंशिएशन आपको पता है, जैसे डी वाई डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसका सेक स्क्वायर एक्स डिफरेंशिएशन होता है। तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करना, हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से डिवीजन रूल से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, जैसे डी वाई डी एक्स टेन एक्स है, तो इसको हम लोग क्या लिख दें, डी वाई डी एक्स
साइन एक्स बाई कॉस एक्स ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, टॉप पर जो है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, तो कॉस एक्स को कॉन्स्टेंट रख के हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे साइन एक्स का, उसके बाद फिर साइन एक्स को कॉन्स्टेंट रख के हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे कॉस एक्स का, ठीक है। फिर डिवीजन में कॉस का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ओके। और यहाँ पे कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे भी माइनस है, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस माइनस साइन एक्स हो गया, तो ये प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा बाई कॉस स्क्वायर एक्स। और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो सभी लोग जानते हैं वन के बराबर होता है, तो ये वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, इट मीन्स सेक स्क्वायर एक्स इज द फाइनल डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन एक्स। इस पे बेस्ड एक और एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं, आपको डिफ्रेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स एल एन एक्स बाई एक्स का। आप डिफ्रेंशिएशन करो, तब तक मैं बोर्ड इरेज करता हूँ। एल एन एक्स बाई एक्स, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा एल एन एक्स को कांस्टेंट रख के हम लोग एक्स को कांस्टेंट रख के हम लोग किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे जो टॉप पर है एल एन एक्स का, फिर माइनस लिखेंगे, फिर एल एन एक्स को कांस्टेंट रख के हम लोग किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स का, और फिर नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। एल एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है हम लोग पहले सीख चुके हैं, जब लॉग ई बेस पे होता है तो उसको नेचुरल लॉग कहते हैं, और नेचुरल लॉग का डिफ्रेंशिएशन वन बाई एक्स होता है। तो आप पुट करो एक्स इंटू वन बाई एक्स माइनस एल एन एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन हो गया बाई एक्स स्क्वायर, तो वन माइनस एल एन एक्स बाई एक्स स्क्वायर इज द फाइनल रिजल्ट। तो एल एन एक्स बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन माइनस एल एन एक्स बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस पर एक और एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। जैसे दिया हुआ है एक्स इंटू एल एन एक्स बाई ई टू द पावर एक्स, ये है, और इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ऊपर वाला टर्म एक्स इंटू एल एन एक्स ये प्रोडक्ट में है, और नीचे वाला टर्म ई टू द पावर एक्स ये डिवीजन में है। यहाँ पे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों इन्वॉल्व है, तो अब देखते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे किया जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स जब करेंगे तो क्या करना है, करना ये है कि पहले आपको नॉमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करना है, जो ऊपर है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, तो e टू दी पावर x ऐसे ही रहेगा, और डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा x इंटू एल एन एक्स का, फिर हम लोग माइनस लिखेंगे, और फिर डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा x इंटू एल एन एक्स को कॉन्स्टेंट रख के डिफ्रेंशिएट कर देंगे e टू दी पावर x को, और फिर e टू दी पावर x का नीचे स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से डिफ्रेंशिएशन किया जाता है। अब यहाँ पे x इंटू एल एन एक्स है, तो x इंटू एल एन एक्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक को कांस्टेंट रख के दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, एंड देन आफ्टर दूसरे को कांस्टेंट रख के पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे पहले एल एन एक्स को कांस्टेंट रख के x का डिफ्रेंशिएशन वन हो गया, फिर आपने क्या किया प्लस लिखा, फिर x को कांस्टेंट रख के एल एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन बाई एक्स कर दिया, फिर माइनस हो गया x इंटू एल एन एक्स, और e टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू दी पावर x ही रह गया बाय यहाँ पे हो गया e टू दी पावर 2x, ठीक है। अब यहाँ पे x x कैंसिल आउट हो गया, e टू दी पावर x इसमें और इसमें दोनों में कॉमन आ सकता है, तो e टू दी पावर x को कॉमन कर लिया हमने, तो यहाँ पे आ गया एल एन एक्स प्लस वन, और यहाँ पे x इंटू एल एन एक्स वन प्लस एल एन एक्स माइनस एक्स इंटू एल एन एक्स बाई ई टू दी पावर 2x, और ये भी कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट जो है वन प्लस एल एन एक्स माइनस एक्स एल एन एक्स बाई ई टू दी पावर x, ये आ गया फाइनल आंसर। तो इस लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि यदि
टर्म डिवीजन में हो और प्रोडक्ट में हो, तो फिर उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है? थैंक यू।